ये बहुत शॉर्ट ड्राइव है हमारे लिए और बहुत पास है, आपको दिखा देना जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आमनौर, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहां पे आमनौर धाम है जो कि काफ़ी फेमस बोल सकते हैं, एक तरह से छोटा वैष्णो माता का मंदिर है, काफ़ी अच्छा है। वैसे अभी तो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, वैसे जा सकते हैं बट अभी हम लोग नहीं जाएंगे, नहा के नहीं आए तो अभी अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से आपको दर्शन कराएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग वैसे पिज्जा हट पर रुके हुए हैं, तो पिज्जा हट यार देख सकते हैं आप सर, ये पिज्जा हट है, ठीक है, पिज्जा होम डिलीवरी का है। तो अभी हम लोग यहाँ पे भोजन करने आए हुए हैं, बट थोड़ा बाहर का भी सीन लेंगे अभी। तो ये है आमनौर धाम, तो यहाँ से एंट्री है इसका, मंदिर का एंट्री इधर है, बाकी मंदिर अंदर है। ओ आराम से भाई, क्यों भाई एक्सीडेंट कराओगे का भाई? तो ये है यहाँ का मंदिर, ये मंदिर अभी खुल रहा है क्या? मंदिर खुल रहा है अभी? खुला है, खुला है, मंदिर तो खुला हुआ है अभी, तो खैर पूजा करने जाएंगे, अगला दिन आएंगे तो पूजा करने जाएंगे, वही पता करने आए थे खुल रहा है कि नहीं। तो ये मंदिर भी, मंदिर खुल चुका है ना, मंदिर खुल चुका है, नेक्स्ट डे तीन दिन सुबह आते हैं, नेक्स्ट डे कभी सुबह आ रहे हैं तो आप लोगों को दर्शन कराएंगे अंदर से। आ जाओ यहाँ से देख लेते हैं गुफा, आओ। और इधर से गुफा जाने का रास्ता है, इधर से गुफा में जाते हैं अंदर से, ठीक है। यहाँ आप दान कर सकते हैं, देख सकते हैं दान में कितना पूंजी है, दान में कितना पूंजी है ये भी दिख रहा है भाई मनीष, यहाँ का दान पात्र ट्रांसपेरेंसी है। और ये जो मानव है, जो कि 5 दिन हुआ है नहाए हुए, और दरवाजे तक कैसे आए भाई तुम ये बता, हमारा तो अभी 2 ही दिन हुआ है मनीष, तुम्हारा वो है मालूम है, पानी छिड़कता क्यों? ऐसा नहीं है, मैं रोज नहा करता हूँ, वायु स्नान। अच्छा तो सुरेंद्र चला जाए अंदर, सुरेंद्र चला जाए अंदर, नहा के नहीं आए हो, किसी दिन सुबह आते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं अंदर एंट्री में, यहाँ से गुफा में जा सकते हैं, देखो गए हो कभी, कभी गए हो? यहाँ से अंदर जाओगे, ये अंदर जाओगे ना, तो अंदर से पता नहीं किधर पीछे निकलता है ये, तो पीछे जाके निकल जाओगे, ये देख सकते हैं भाई, यहाँ से अंदर घुसोगे राक्षस के मुंह में जाके, और उधर पीछे मंदिर में निकल जाओगे, अंदर ही अंदर बहुत बड़ा गुफा है, और यहाँ पे आप दान भी कर सकते हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था और कहाँ मिलेगी, दान भी कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको संक्षिप्त में परिचय भी करा रहे हैं यहाँ से, जो कि आप खुद ही पढ़ लें, ठीक है, पढ़ लिए हो तो हम आगे बढ़ेंगे। ये भी कुछ है जो कि आप पढ़ सकते हैं, प्रातः एवं प्रायकाल दोनों समय, ठीक है। आपको बता दिया जाए जानकारी के लिए कि दर्शन का समय यहाँ का है 7:00 से दोपहर 1:00 तक, ठीक है, दोपहर 2:00 से रात्रि 8:00 तक, ये व्यवस्था होगी, ठीक है, बाकी ये व्यवस्था तो है ही दान करने का। तो मनीष कुछ दान करके जाओ, दान करूँगा लेकिन बाद में, अभी मैं मंदिर के अंदर नहीं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दान अभी बात नहीं करना, कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे आके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है, कि तो आप देख सकते हैं, ये आमनौर के मेन मार्केट में ही है ना मोनिका, हाँ, तो मेन मार्केट में ये पुल पे जैसे ही आप आएंगे, पुल आपको दिखा दे रहे हैं, ये पुल से जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको होटल एस आर एस के जैसे अपोजिट आपको आमनौर धाम बड़ा बोर्ड पर दिखा हुआ मिल जाएगा, दिख रहा होगा, यहीं पुलिस चेक पोस्ट भी है और यहीं पे आमनौर धाम भी है, वैष्णो माता का छोटा प्रारूप है ना। और अंदर ही कुछ दुकान भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये बड़ा सा गुंबद,
भोले बाबा का, यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है, जो कि आप ऊपर से जब निकलेंगे तो ये भोले बाबा का दर्शन करते हुए तब आप आगे की ओर बढ़ेंगे। जब आप यहाँ से पूजा करने के लिए निकलते हैं तो यहाँ से आपको निकलना है, ये सीढ़ी से ऊपर जाना है, ऐसे ऐसे यूँ यूँ, हाँ यहाँ से आप फ्लाइट लेंगे या पैदल जाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपको ही देख लीजिएगा। बाकी हम बता दिए, हमारा काम था बता दिए, एक अच्छे यूट्यूबर के नाते हैं बता दिए, बाकी आपका काम, आपका काम है, आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे मनीष? कितना गाड़ी चलता है? ठीक है, स्टार्ट। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि जैसे जब भी निकलते हैं डेस्टिनेशन में तो हमें बीच में कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिलती है जैसे मंदिर हुआ। हाँ यार, ये तो सही कह रहे हो। और आज हम थोड़ा हम लोग आए, थोड़ा खाना वाना खाने आए, थोड़ा तो सोचे कि यार देखते हैं आगे क्या है। आम नोट धाम मिल गया, मंदिर तो हर जगह मिलता है यार, धाम को लेके जाना जाना चाहिए हर जगह। आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है जहाँ भी जाए, तो यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया आम नोट धाम है, आके आप विजिट करें, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, से पहले ही बताए थे मुझे, मेन रोड पे ही है। और ये मेन रोड पे ही कहीं जा रहे हैं तो पटना वाले रूट पे पड़ जाता है, आप 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे जो भी है टाइम आप रुक सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ का जो व्यूज है और सब कुछ सही है, आपको एक छोटा वैष्णो माता का दर्शन हो जाएगा। और माता तो वही माता है, कहीं का भी हो, छोटा हो बड़ा हो, और कुछ नहीं, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता। तो बड़े वाले वैष्णो माता, बड़े वाले वैष्णो माता भी जाएंगे, वैसे एक बार गए हुए हैं बट दूसरी बार भी इच्छा है अभी, तो थोड़ा टाइम मिल जाए फिर जाएंगे वहाँ भी। मनीष भी था हमारे भक्त राणा साहब, तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे जरूर शेयर करेंगे। बाकी ये छोटा अभी दर्शन करिए आप लोग भी, छोटा वैष्णो माता हमारा, आँख में धूप पड़ रहा है, आप कुछ बोलना चाहोगे? भाई बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है भाई, बता जाएंगे बैटरी डाउन है तो हम चार्ज करेंगे। मोनित जो है BIT मिश्रा से पढ़ा हुआ है और ये कंफ्यूज ज्यादा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, बोलता क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्टेप्स से डर लगता है, बाकी कुछ नहीं है। और आज यही कहना चाहेंगे, आज तो हम लोग का कुछ ही प्लानिंग था नहीं मंदिर का, बट आ गए हम लोग विदाउट प्लानिंग, सो आज तो हम लोग दर्शन नहीं करेंगे अंदर जाके, बट ओवरव्यू नितेश अभी आपको दिखा देगा जो भी है परिसर कैसा है। और बाकी मंदिर की बहुत मान्यता है इस जगह पे, बहुत ही फेमस, लोग बहुत मानते हैं, फेमस मंदिर है, जरूर आइए, एकदम रूट में है और अच्छा लगेगा। आधा घंटा भी अगर आप स्टे करते हैं तो आराम से घूम सकते हैं। हाँ, आधा घंटा में बिल्कुल आप घूम सकते हैं। और अगर आपको एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो भगवान को अपना एक पार्टनर बना लो। वाओ, ये एडवाइस है खुद ही, ये आपके काफी काम आएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, कंटिन्यू मनीष से अंदर ना बहुत ही अच्छा है, नेक्स्ट टाइम जब भी आ जाएगा जल्दी प्लान करेंगे, देखते हैं जल्दी हो सकता है, चलिए जब भी आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर शेयर करेंगे। लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पिज्जा कहाँ तक बना है, पिज्जा का ऑर्डर देके हम लोग निकले थे थोड़ा घूमने के लिए, तो देखते हैं कहाँ तक हमारा तैयार हुआ है। बेचारा खिलाया यार इसे, पता नहीं कहाँ का फोन घुमा दिया, कहाँ कहाँ फोन घुमा दिया यार, खाना नहीं मिल रहा है। बढ़िया भी हो रहा है, नहीं ये वाला थोड़ा सा शीशा सिलेंडर यहाँ का डेकोरेशन है, ये फैसिलिटी बढ़िया है, ठीक ठाक है, AC का व्यवस्था भी दे दिया है। अरे कुछ टाइमिंग होगा शायद, हम लोग जल्दी आएंगे, हो सकता है 3 बजे के बाद यहाँ पे मतलब हो। हाँ जब पेट हटाओ, छोड़ छोड़ अरे अंदर 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 भैया, थोड़ा सा कैमरा क्या घुमा दिया क्या, रॉब में आ गया, रॉब आ गया भाई, थोड़ा सा अपने
खत्म हो गया तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं मनीष क्या लग रहा है दो कॉलिंग मनीष क्या लग रहा है इधर तो सही लग रहा है इधर से देखो एवरेज है भाई जगह के हिसाब कौन सा तरीका है भाई अच्छा जो तो एक ट्यूटोरियल चैनल बनाओ ठीक है मैगी खाना सिखाओ उसमें चौमिन खाना सिखाओ झाड़ू की सीख ले कि उसमें फंस रहा था जाली जो खाते हैं उस तरीके से तीन झाड़ू की सीख लेके तो फाइनली हमारा पेट पूजा हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं हल्दी फैला के तो होटल वाले साथ रहेगा तो सदर बताओगे क्या कैसा रहा थैंक पॉइंट बारिश भी इतना अच्छा लग गया कि मतलब एक पैक भी करा लिया आगे तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाकी आपको होटल देख लीजिए होटल है सारे सर क्योंकि आम नॉट धाम के जस्ट अपोजिट साइड में है आप लोग आ सकते हैं पूजा कुछ खास नहीं था बट एवरेज है जगह के हिसाब से ठीक है तो आप लोग आइए होम डिलीवरी भी करते हैं ये नंबर है उनका ठीक है।